नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों, अगर इस तरीके से आप अपनी लॉस रिकवरी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाके ज्वाइन करिएगा। और आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में केवल स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करा जाता, यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो बड़े प्लेयर जहाँ पे पैसा बनाते हैं वहां से अपडेट आ रही है कि अब जो एग्री ट्रेडर्स हैं, एग्री देखिएगा कॉमोडिटीज हैं, उनके जो टाइमिंग है वो चेंज कर दिए गए हैं। आपके सामने अपडेट है, 1 घंटे पहले अपडेट आई है एग्री ट्रेडर्स के लिए। बहुत बहुत देखिएगा अच्छी अपडेट आ रही है, 10 AM एडवांटेज फॉर एग्री ट्रेडर्स भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो आपके सामने है कि जो NCDEX में ट्रेडिंग करते हैं, जो एग्री ट्रेडर हैं, जो कहां ट्रेड करते हैं, जो ट्रेड करते हैं ग्वार, सीड, जीरा, देखिएगा ये सब इनमें ट्रेड करते हैं बड़े प्लेयर, यहां बड़ा पैसा बनता है, छोटा पैसा नहीं बनता, बड़ा पैसा बनता है। उनके बाजार अब 10 बजे से खुलेंगे। कितने बजे से? 10 बजे से खुलेंगे। और अगर आप देखेंगे यहां पे पहले कितने बजे खुलते थे, पहले ये खुलते थे 9 बजे। तो आपके सामने अपडेट, 9 बजे ये खुलते थे, अब ये खुलेंगे 10 बजे। डिसीजन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन विद द स्पॉट मार्केट, देखिएगा स्पॉट मार्केट के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए डिसीजन लिया गया, विच इज एडवांटेजियस फॉर द एग्री ट्रेडर्स। मोस्ट ऑफ द स्पॉट मार्केट ओपन एट अ 10 AM, वॉट विल बी द बेनिफिट ऑफ द चेंजिंग द टाइम। तो आपको पता है कि जब आप सारे मार्केट के साथ, सारे स्टैंडर्ड टाइम के साथ खुलोगे तो आप ज़्यादा बेटर व्यू ले सकते हो। इट्स लाइक गिफ्ट निफ्टी, SGX निफ्टी 16 घंटे ट्रेड होता था, गिफ्ट निफ्टी 21 घंटे ट्रेड हो रहा है। आफ्टर दैट देखिएगा आप अच्छा ओवरव्यू ले लेते हो, रात के 2:30-2 बजे तक देखिएगा, 2:30 बजे तक अगर आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी खुला रहता है, सुबह भी जल्दी खुल जाता है। तो इससे आपको एशियन कंटिनेंट का, यूरोपियन कंटिनेंट का और इंडियन कंटिनेंट का, देखिएगा इंडिया का पूरा मतलब आपको व्यू मिल जाता है कि मार्केट कैसे खुलने वाला है। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है, तो इस पे फोकस करिएगा। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, वंस इन अ लाइफ टाइम बार बार ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। अब जो स्टॉक गिर रहे हैं ना, वो क्वालिटी स्टॉक्स गिर रहे हैं, क्वालिटी बैंक्स गिर रहे हैं, और बैंकों में पैसा बनेगा बनेगा बनेगा। तो मैं आपको बताना, मैं आपको ऑप्शन की कोई राय नहीं देने आया हूँ, मैं आपको मोटा पैसा बनाने की राय देने आया हूँ यहाँ पे, कि अब जो भी गिरावट होगी अगस्त सितंबर में, जो भी गिरावट होगी, ग्रैब इट विद द, देखिएगा गुड फंडामेंटल स्टॉक्स, ग्रैब इट विद द गुड फंडामेंटल स्टॉक्स। क्योंकि जब तक आप लोग हल्ला हल्ला करोगे, मार्केट गिरा मार्केट गिरा मार्केट गिरा, और जैसे ही ये न्यूज़ देखिएगा बिल्कुल फेडअप होगी, तो उसके बाद गोल्डमैन सेक्स ने जो किया है, कहा है वो सही होगा, रेट कट होंगे। अब आने वाला भविष्य क्या है, 3 महीने के बाद रेट कट पे चर्चा होगी, और तब आपको निफ्टी भी 20-22 हज़ार के ऊपर मिलेगा, तब आपको बैंक निफ्टी भी 45-50 हज़ार के बीच में मिलेगा, और तब आपको डोजोन्स भी देखेगा अपने ऑल टाइम हाई पे मिलेगा। क्योंकि अब रेट कट की बात शुरू होगी आने वाले 3 महीनों में, और रेट कट के बाद मार्केट केवल शूट अप होगा, केवल शूट अप। अगले 6 महीने जो पैसा बनने वाला है वो आपको वंस इन अ लाइफ टाइम देखने को मिलता है। तो मैं कह रहा हूँ, इस गिरावट में कुछ भी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, डजंट मैटर, SIP खोल दो अपनी बेटी के नाम, SIP खोल दो अपने बच्चे के नाम, बेटे के नाम, लेकिन वो पैसा एक बिल्कुल रिजर्व कर दो, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जब देखिएगा रेट कट होना शुरू होंगे तो कोई नहीं कह सकता कि कितना मार्केट भागेगा आने वाले 6 महीनों में। तो आपको मैं बताना चाहता हूं यहां पे गोल्डमैन सेक्स ने क्या कहा है, उन्होंने कहा इट एक्सपेक्टेड द US फेड टू स्टार्ट कटिंग इंटरेस्ट रेट इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर ईयर, बट वॉर्न्ड ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क दैट रेट कुड होल्ड स्टेडी इफ इन्फ्लेशन डजन नॉट कूल फास्ट इनफ। तो आपको पता है यही चीज, ये जो रिस्क है यही पैसा बनाएगा, ये रिस्क जब तक रहेगा तब तक मार्केट गिरता रहेगा, और फिर आपको पता है आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे, और फिर सबको पता है कि रेट कट होगा। तो जब पैनिक आता है तब देखिएगा मार्केट में कोई चर्चा नहीं करता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन जब पैनिक चला जाता है, मार्केट भाग जाता है,
तब बहुत सारे लोग डिस्कशन करते हैं और आफ्टर दैट आपको पता है कि आप बढ़े हुए भाव में चीज़ें लेते हो। तो अगर HDFC बैंक आपको जो मोस्ट यानी कि अगर 90% लोगों ने कहा है कि वो 2000 के भाव का होना चाहिए आफ्टर द मर्जर, और ये बहुत ही एक ग्राउंड लेवल की एक एनालिसिस है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो आपको 1600 में मिल रहा है, ICICI बैंक, ये टॉप बैंक्स, SBI, ये अगर आपको इतने कम दाम पे मिल रहे हैं तो इसका मतलब समझिए फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में आपको कहाँ मिलेंगे इस दाम पे। तो अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ पूरी तरीके से अच्छी होने वाली है, और आफ्टर दिस अपडेट जैसे ही इनका एनालिसिस आया है उसके बाद थोड़े से कूल ऑफ हुए हैं आपके, देखिएगा बॉन्ड मार्केट, अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट में कूल ऑफ आया है। अगर ये थोड़ा और कूल ऑफ होते हैं तो मार्केट को एक स्पेस मिलेगा, ऑप्शन सेलर थोड़े हल्के होंगे और देन आफ्टर दैट आपको रिबाउंड देखने मिलेगा। तो फोकस करिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।